नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। मैं हूं आपके साथ अशोक चोपड़ा। बीबीएमबी मैनेजमेंट ने आज अचानक हरकत में आते हुए बीबीएमबी की ईवी ब्लॉक में खाली पड़े मकानों पर अवैध रूप से कब्जा कर अपना रैन बसेरा बनाए लोगों पर कार्रवाई करते हुए घर में रखा सामान बाहर निकाल विभाग ने अपने कब्जे में लेने के उपरांत ताले लगा दिए और खाली पड़े मकानों पर अवैध कब्जा करने वालों को आगे से ऐसा न करने की भी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर फिर से ऐसा किया तो पूरा सामान जब्त कर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मौके पर पहुंचे विभाग के एसडीओ नरेंद्र कुमार और एआरई जसपाल सिंह ने कहा कि इससे पहले भी इन लोगों को नोटिस जारी कर मकानों को खाली करने के आदेश जारी किए थे, लेकिन विभाग के नोटिसों को इन लोगों ने अनदेखा किया, जिस कारण यह कार्रवाई करनी पड़ी। विभाग की इस कार्रवाई से मकानों पर अवैध तौर पर रहने वाले लोगों में हड़कंप सा मच गया था। उधर जब इस बारे में जानकारी लेने हेतु बीबीएमबी के आरई प्रवीण दिमहान से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि लगातार रही शिकायतों और विभाग के उच्च अधिकारियों की दिशा निर्देशों के तहत यह कार्रवाई अमल में लाई जाए और उन्होंने कहा यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। क्या कहा सिटी हलचल से बात करते बीबीएमबी के आरी प्रवीण धीमान ने, आप खुद ही सुने। सर, बीबीएमबी वालों कुछ कार्रवाई की तैयारी हो रही, मकान के लोगों ने अवैध कब्जे कर ले, खाली करवाए, सर क्या प्रोसीजर है, क्या कितना कब्जे कर लेंगे लोग? प्रोसीजर का तो सानू एक्चुअली आई है, पर लेकिन यह है कि सानू कुछ हिदायत हुई हैं जिससे सानू पता लगे कुछ अवैध कब्जे जड़े हो रहे हैं, कुछ अन जड़े कि लोकी ने अनऑथराइज इन्होंने कब्जे के लेना चाहते कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो असं उन्होंने ही मतलब की है कि उसके तहत ये शायद मुहिम जारी की है, इंस्ट्रक्शन जारी हुई हैं ताकि असं इन्हों जो भी अवैध कब्जे है वो ना हो सकन, रहन सहन का जो माहौल है वह भी शांतिपूर्वक बनया रहे। तत्क जारी रहेगी, जब तक सा इस तरह की पूरी तरह सैटिस्फैक्शन नहीं होती है कि इतने हम कोई भी अनऑथराइज ऑक्यूपेशन या किसी भी तरह अनपछाते तत्व जो है इतने नहीं आते हैं। सिटी हलचल के लिए नंगल से करण चोपड़ा की रिपोर्ट।